ठाकुर द्वारा संकल्प सभा को आयोजित किया गया और इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की आदरणीय हमारी अभिभावक शांति सिंह जी, बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय जनता मंत्री जी, महिला प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, विधायिका श्रीमती रेखा पासवान जी, स्मृति हेमंत जी, अनिता भारती जी, मंजू सिंह जी, दुर्गा साहनी जी, गीता देवी जी, सीमा गुप्ता जी, नमिता नीरज सिंह जी, रेणु यादव जी, रेखा चौधरी जी, इंदिरा परमार जी, प्रोफेसर राजमणि जी, अंकिता यादव जी, जितने भी महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जिनका नाम भी छूट गया हो और दूर दराज से बिहार के कोने कोने से हर जिले से आए हुए सभी माताएं बहनों को हम सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस दौर में, जिस दौर में बिहार सबसे ज्यादा मौका है, बेरोजगारी है, कोरोना बीमारी है, भूखमरी है, आर्थिक रूप से लोग कमजोर है, गरीबी है, बेरोजगारी है, दुर्गत है, तो एक बुरे दौर में जिस प्रकार से आप लोगों ने आप संकल्प देने का काम किया है, ये केवल राष्ट्रीय जनता दल को ही सरकार में लाने का नहीं, मेरे को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, बल्कि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया, बेजुबानों को जो जुबान दिया, समाज के अंतिम पैदान पे खड़े हुए समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जो शुरुआत महिला आदियाबादी है, लेकिन आप देखते होंगे पहले भी जितनी महिलाएं हासिल हुई हैं किसी का बुराई नहीं कर रहे, 10 टिकट जो महिलाओं को दिया, दसों की दसों महिला जीत चुके चुनाव, सबसे ज्यादा जीत चुके हैं। अगर स्मृति जी बैठी है, रेखा जी बैठी है, तो जो स्ट्राइक रेट जो होना चाहिए 100 में से 100% महिलाओं का, यानी ये साबित करता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अगर उनको मौका मिले तो वो हर एक संभव काम जो नामुमकिन है उसको संभव कर सकती है, वो हर एक काम जो है किया जा सकता है। मुझे तो खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी आबादी है उस हिसाब से आप लोगों को जो है भागीदारी भी मिले और मौका भी मिले।